this is fine. But just wrap it up, yeah. Puri raat se kaam kar rahe hain. Just meet me in my room. Guys, meet me in my room. Yeah, come. यार मैं कोई और जॉब ढूंढ रही हूँ, मुझसे नहीं होती है नाइट शिफ्ट. यार मेरा तो शादी से पहले तलाक हो जाएगा, इतनी नाइट शिफ्ट कौन कराता है यार. नो रियली? हाँ यार, मेरी बंदी मानने के लिए तैयार कि मेरा कोई सीन नहीं है. झूठे, तेरे बहुत सीन है, सबको पता है ऑफिस में. बताओ. किसी को नहीं पता, चिल कर, उसको तो डेफिनेटली. ये लो थोड़ा खाना बचा, खा ले. थैंक यू वेरी मच. क्या है? पता नहीं, देख लो, मैं कल डबल ले लूं. गरम तो कर लो. गरम यार, बहुत भूख लग रही है, खाने तू भी खा. कभी तो हिम्मत नहीं हो. एक तो ठंडी थी. हेलो, ऊपर से मेरी मेड नहीं आ रही, मैं तो नहाता नहीं. खाना कौन बनाएगा? मैं दिव्या मेरा बोल रही हूं. कौन बनाएगा खाना? पहाड़ियों के देखो ठंडे कैसे डर लग सकते हैं. हां जानता हूं, लाना तुम्हें. जी हमारी सिल्वा होंडा सिटी है. खुद को देखा है? मैं खा रहा हूं. हट, नहीं नहीं, चुप करो प्लीज. कहा जी? मैं अभी आती. क्या हुआ? अमन का एक्सीडेंट हो गया. हाँ, कुछ बताओ तो. देखिए मैडम, आप मेरी बात सुनिए. आपने कभी चली हुई लाश देखी? बर्न विक्टिम, भयानक होता है बहुत. देख नहीं पाएंगे आप? मेरी बात मानिए, चाहिए आप प्लीज. सिर्फ विक्टिम नहीं है, उनके हस्बैंड है सर, फर्क है. तो मैडम तभी तो मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं देख पाएंगे उस हालत में वो. ठीक है, हमारा रूटीन का काम है, हमारे लिए आम बात है. आप जाइए प्लीज, मानिए. आप मान जाइए सर, प्लीज सर, प्लीज. ठीक है, जाइए, मेरा क्या जाए. आप जाइए, देखिए. देवेंद्र, देवेंद्र. जी सर. जरा वो हाई वाले लास्ट दिखाना इनको. जाइए. थैंक यू सर. बोल दिया है, दिखा रहे हैं. बैठो. अरे नारंग साहब, आपको पता है प्रोसीजर में टाइम लगता है सर. फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल. रोज फॉलो अप कर रहा हूँ, रोज फॉलो अप कर रहा हूँ. भाई गोली तो नहीं, कब से फोन कर रही हो? अच्छा, आप बोलते हो तो अगली बार आपको भी सीसी कर दूंगा ईमेल पे. और बताइए, डेडलाइन कल की लिखा हुआ था कि 14 दिन में सारा काम निपट जाएगा. अब कितने दिन हो गए? हाँ जी सर, लिखा है, लेकिन वो लिखा है 14 वर्किंग डे. हाँ जी, उसमें छुट्टियाँ नहीं गिनी जाती ना सर. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अरे सर, आपको शायद याद नहीं, पहले थी दिवाली की छुट्टी, फिर ईद की छुट्टी, फिर गांधी जयंती, फिर इंडियन टीम की जयंती आ गई. आपको पता है, तो आपको तो पता है कितनी छुट्टियां हमारे मुल्क में. हाँ जी, फैमिली को लेके जाने गोवा, उससे पहले मेरा. बिल्कुल सर, मैं भी वही कह रहा हूँ. आप जाके गोरी मेमू के साथ गोवा में नया साल मनाकर वापस आइए. जितनी देर में आप वापस आओगे, आपका चेक तैयार होगा, मेरी गारंटी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये ठीक है. पर ये पीएम के स्पीच के साथ तुम लोग रियलिटी टीवी के अपडेट्स क्यों लगा रहे हो? प्लीज चेंज दिस राइट नाउ. बिल्कुल बिल्कुल. अरे रिया, सबकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है. आप मुझे 4 दिन दीजिए नारंग साहब, काम हो जाएगा पक्का. हाँ जी, बाय. कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना तुरंत. क्या हुआ? किस बेचारे को बेवकूफ बना रहे थे? अरे बेवकूफ नहीं बना रहा यार, मेरी गलती थोड़ी कि प्लॉट बुक किया और वापस करना चाहता है. नहीं नहीं समझी.
अरे एक केस है जिसकी कमीशन आ गई ऑफिस को, बस मेरा इंसेंटिव नहीं निकला है, तो बस रिफंड के पहले जब तक मेरा इंसेंटिव नहीं निकलता थोड़ा लटका रहा हूँ और कुछ नहीं। पर अगर डील कैंसिल हुई है तो तुम्हें अपना कमीशन भी नहीं मिलेगा और तुम्हें अपना इंसेंटिव भी वापस करना पड़ेगा। वापस नहीं करना होगा, एडजस्ट करना होगा अगले इंसेंटिव के साथ। पैसे एक बार बैंक में आ जाते हैं तो वापस नहीं होते, एडजस्ट होते हैं, समझी? एक दिन तुम इतना बुरा फंसोगे ना, क्यों करते हो इतने रिस्क वाले काम? इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जिंदगी भर मिडिल क्लास नहीं रहना चाहता, ऊपर उठना चाहता हूँ चीजों से। अरे यार बादाम भिगोने फिर भूल गया, कल भी भूल गया था। ऐसे नहीं बनने वाला मैं रियल एस्टेट का किंग। अमन क्या प्रॉब्लम क्या है हमारी मिडिल क्लास जिंदगी में? जान हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में पैसा बोलता है। तो क्या डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डील का साइज देखिए ना, फॉर्चून 500 कंपनी है हमारी, टॉप 25 एग्जीक्यूटिव्स एक ही प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। 4 BHK अपार्टमेंट, हर अपार्टमेंट 4 करोड़ रुपए का है, मंदी की मार्केट है, कंफर्म डील है। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? देखिए 2% तो हम लोग वैसे देते ही, लेकिन आपकी डील बाकी बड़ी है, तो आप फिक्र मत करो, हम आपको ऐसी डील देंगे कि आप खुश रहोगे, टेंशन मत लो आप। ठीक है, आप जरा मुझे मिस कॉल फिर से दे दीजिए। अभी देता हूँ। तेरी कंपनी में पता चला तो? अरे सभी करते हैं यार, कभी किसी को आज तक पता चला है क्या? हमारा देश नहीं बसूड़ी पता चलता है, कभी किसी को कुछ हुआ है? रिस्क बहुत है यार। अरे रिस्क है तो प्रॉफिट है ना यार, मरोगे नहीं तो स्वर्ग कैसे जाओगे? पच्चीस फ्लैट हैं, हर फ्लैट का 1,00,000 रुपया, तेरा हिस्सा 25 लाख। आराम से बोल यार, थोड़ा तो ज्यादा कर दे, 30 तो कर दे, इतना तो बनता। चल तेरे साथ क्या भाव करना, डन, लेकिन 7.5% लगाएगा तू। आराम से बोल। अबे टुसू अब कितने लेगा बोल। अमन क्या बात कर रहे हैं यार, तू चल साले यहाँ से। अबे सामान तो ले दे। तो क्या खा रहे भाई? ओ भाई, अरे आ गया, ज्यादा देर वेट तो नहीं कराई? अरे कभी कम कभी ज्यादा चलता है, चलेगा। बेटा ऑर्डर ले भाई। सर क्या लेंगे? भैया मैं लूंगा काली कॉफी और 1/2 किलो गाजर का हलवा। गाजर का हलवा? कॉफी दिया भाई। जी सर। अरे रघु भाई ऐसी डील लेकर आया कि आज तो मीठा करना ही पड़ेगा। कमाल आदमी यार तभी है, रियल एस्टेट में भी फुल नौटंकी। अगर आपको अभी मजा आ रहा है तो सोचो जब पर्दा खोलेगा तब कितना मजा आएगा। अरे भाई मेरे गाजर दिखाता रहेगा या खिलाएगा भी? चलो फिर फोन रखो ना, दिखाता हूँ मैं। बोल। 25 अपार्टमेंट की डील है, 4 BHK। कंपनी की तरफ से पार्टी को मैंने 2.5% ऑफर किया है डिस्काउंट। ठीक है, अब सुनो, बिल्डर के बंदे के साथ मेरी 7.5% की सेटिंग हो चुकी है। 7.5? मैं कहता हूँ पार्टी में आपको देता हूँ, आप पार्टी को 3.5% दो, बीच के 4% हमारे, यानी कि 3,50,00,000। बिल्डर के बंदे का हिस्सा 30 लाख रुपया, आपका पूरा 1 खोखा। अबे डर नहीं लग रहा, कंपनी का माल दूसरी दुकान के ग्राहकों को दिलवा रहा है और पकड़ा के तो? अरे रघु भाई आप आम खाओ ना, पेड़ गिरने से आपको क्या मतलब, माल तो हो ही रहना है, हम तो सिर्फ मलाई बांट रहे हैं। पर हाँ सुन, इतनी बड़ी डील है दोस्तों, एडवांस लगेगा। भैया मक्खन मलाई तो तू साफ कर रहा है, हमें तो पानी वाला दूध दिख रहा है बस। क्या रघु भाई, घर बैठे बैठे आपको बिना उंगली हिलाए 1 खोखा घर आ रहा है, उतने में तो बटर की फैक्ट्री लग जाती है, देख लो आप, नहीं तो मैं अगली दुकान पे। अच्छा एक काम कर, सवाल तो कर दे यार। अरे छोटी बात कर। अच्छा चल 1/15, 1/15 तो। चलो आप मेरे लिए ना कॉफी भी पी लेना, ठीक है मैं चलता हूँ। अबे भाई कहाँ खड़ा हो गया, रुक तो जा, बहुत कुत्ता आदमी तेरी कसम। अरे रघु भाई मैं ही कुत्ता नहीं हूँ, ऐसा मत बोलो, आप लात तो आपके मुंह से भी टपक रही है। अच्छा चल बता एडवांस कितना देना है? क्या 50 पेटी? 50 पेटी परसों ले जा। ये हुई ना बात। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार वो सुभान को बोल दियो लोकेशन वही चाहिए, बिल्कुल बीच में कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे कोई टेंशन नहीं रखो जी, उसे भी व्यवस्था करा देंगे। अरे रखना यार। अरे इसकी जरूरत है, लाओ बैग में। अरे उसमें नहीं आएगा भाई, इसमें रख ले। अच्छा हाँ चलो ठीक है। अरे गिन तो ले पहले। अरे क्या गिनने रघुवीर जी, आपकी रकम भी गिननी पड़ी तो समझो दुनिया फट जाएगी, पूरा भरोसा है मेरे को आप। भरोसा तो तेरी कंपनी को भी है, तेरे पे लगा रहा है ना उनकी। रघुवीर जी वहां पे मैं कंपनी की नहीं लगा रहा, कंपनी हमारी लगा रही है, आपको अंदर की बातें पता नहीं है। चल ले जाएगा ना ढंग से, ये भेजू किसी को? अरे नहीं नहीं ये ले जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा चलिए मैं निकलता हूँ। हाँ चल ठीक है। अच्छा ठीक, फोन करता हूँ। हाँ ओके।
अरे सुनो, हाँ जी, ये तो हो गया, अब दूसरी नई पार्टी कब दे रहा है? हाँ मैं अपनी सारी पार्टियां पहले आप ही को भेजता हूँ। आज क्या है, टेक केयर। हाँ जी, इतना ताम झाम करने की क्या जरूरत है, इससे ऐसे तुम जीन्स ही पहन लेती। वो ओके, मेबी नॉट। चलो ना साथ में, इतनी भी बोरिंग नहीं होती मेरी ये पार्टीज, काफी इन्फ्लुएंशियल लोग आते हैं, वहां जाके तुम अपनी ये प्रॉपर्टी डीलर की दुकान खोल लेना। वेरी फनी डार्लिंग, मैं जानता हूँ कितने इन्फ्लुएंशियल लोग जो आते हैं वहां पे, सब साले शराब पीने के पहले इंटेलेक्चुअल, शराब पीने के बाद कंगाल। ब्लडी जोकर, लुक हू इज टॉकिंग। मैं सोच रही हूँ मैं अपने बाल बांध लूँ, जिंदगी का उसे नॉट वर्किंग है। अभी भी सोच लो, मैं रुक सकती हूँ, ऑल मीडिया पार्टीज आर नॉट दैट बोरिंग। नहीं भाई, तुम जाके एंजॉय करो वहां की एयर बेसिस। व्हेन यू वांट द रियल थिंग, आई विल बी राइट हियर। ओके, बाय बाय। सारे पेपर चेक कर लिए ना आपने? अरे एक बार नहीं, 10 बार। वकील से भी चेक कराए? अच्छा, मुझे मत बोली दो आप। अरे ये एग्रीमेंट टू सेल पढ़ लो, 45 लाख बयाना, टोटल कॉस्ट 3,50,00,000 रुपए, और चेक और कैश 50-50। ठीक है, चेक कर लो और हर पेज पर गुग्गी मार दो। गुग्गी मैं मारता हूँ, रजिस्ट्री बीवी का नाम है पता है ना आपको, पड़ोसन के नाम करा लो, सास के नाम करा लो, सेलर को तो अपने दाम से मतलब है। ठीक है जी, तो मैं जितनी देर घुग्गियां मारता हूँ आप जरा उतनी देर इनके दर्शन करो। अरे लाओ भाई लाओ, इन लो आप जरा, दो तीन, असली है ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं मलिक साहब, हर एक नोट 500 नहीं 501 रुपए का है। आठ, हो सकते एक चाय पिलाओ। एनी कॉल सुन पक्का? निखिल, ओ निखिल, वो नांग वाले केस की कमीशन आ गई? हाँ भैया। तो फिर मेरा चेक भी निकाल यार, प्रोसीजर में एक हफ्ता लगता है, मिस्टर मोहित की स्टेटमेंट निकाल दूंगा। और यार प्रोसीजर तो प्रीतम पता के टीवी टावर से भी लंबा है, कोई शॉर्टकट निकाल दे। अरे करते यार, थोड़ी जरूरत है मेरे को। अरे यार करता हूँ मैं यार। अरे गुस्सा क्यों हो रहा है यार, हमारे अच्छे दिन तो तू ही लाता है भाई। यार अमन प्लीज टाइम वेस्ट मत कर यार। अच्छा प्लीज सुन सुन, आज बना दियो चेक है, तेरे को तेरे भाई खाते का समय। ठीक है, दिव्या 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 उठो ना, दिव्या उठो ना, उठो ना प्लीज, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया। अमर अभी 7 भी नहीं बजे यार, मेरी बात मानो ना, ये लो ट्राई इट, यम्मी। क्या हो गया अमन? बताता हूँ, तुम उठ जाओ। 360 गज। व्हाट? दैट्स राइट। ये सब कब किया? जब तुम सो रही थी। तुमने खरीद लिया ये? अरे खरीद लिया समझो, बयाना दे दिया है। All this is ours. अरे सोच क्या रही हो? इधर आओ, थोड़ा इमेजिन करो,
छोटा सा जेन गार्डन, बिल्कुल जैसा तुम्हें पसंद है, फेंग शुई वाला। बड़ा सा लिविंग रूम, कोने में छोटी सी बार, बड़ा डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन विद फुल फिटिंग्स, तीन बड़े बड़े बेडरूम विद अटैच बाथ, और वहां पीछे कोने में सीढ़ियां ऊपर जाती हुई, जहां पे दो और फ्लोर्स, जिनका आएगा मोटा किराया। इसका मतलब लाइफ सेट। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं ये सब? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? अच्छा तो बहुत है, बट तो फिर क्या है यार? बिल्कुल जैसा मैगजीन्स में होता है वैसा डेकोरेट करना, जहां चाहो कील ठोकना, मकान मालिक की कोई खिचखिच नहीं। वो सब ठीक है अमन, पर इतना सारा पैसा आया कहां से? आई मीन थोड़ी सी इधर उधर की कमीशन से कोई इतना बड़ा घर नहीं बना लेता है। अरे यार वो मेरी प्रॉब्लम है ना दिव्या, 7 साल हो गए मुझे धंधे में काम करते हुए, यहाँ की अच्छी डील्स मुझे नहीं पता लगेंगी तो किसको लगेंगी? कम ऑन बेबी, यू नो आई नो हाउ डेली वर्क्स, एंड यू नो आई नो हाउ टू वर्क डेली। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस दिव्या, इससे ज्यादा क्या चाहिए हमें? तुम्हें? हाँ मुझे, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हम दोनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। कब तक वही साली मिडिल क्लास लाइफ जीते रहेंगे? ओ स्टॉप इट, मिडिल क्लास बार बार तुम वही बात क्यों करते रहते हो यार? जस्ट गेट ओवर इट। नो दैट्स नॉट व्हाट आई मीन बेबी। दिव्या यू नो व्हाट आई मीन ना, बड़ा घर होगा यही सपना था ना हम लोगों का। कौन है यार? या बॉस, मेरा ही अमन, मैं बस निकल ही रहा था। गुड, गेट आउट हियर राइट नाउ, एवरीथिंग ओके? जल्दी आओ, नारा गाया हुआ पूरा ऑफिस सर पर उठा लिया। ठीक है मैं आके हैंडल करता हूँ, फटाफट। या क्या हुआ? मुझे ऑफिस जाना होगा यार, एक काम करो तुम गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी लेके जाता हूँ। आर यू सीरियस? सी यू इन द इवनिंग, बाय। 4 हफ्ते तो फोन कर रहे हैं और मेरे को पूछ ही नहीं है, कल हो रहा है परसों हो रहा है, और तुहाडा कल परसों कभी आंदा ही नहीं है। मैं अपनी कुड़ी दा व्याह करना वे और मेरी कोई सुनवाई नहीं है। बिल्डर नु फोन कीता सी, ओ कहंदा तुहाडी कैंसलेशन ही नहीं आई है, और कोई मैं दसेगा कि मेरी कैंसलेशन रिक्वेस्ट किथे है? नारंग साहब मैं आपको, चुप कर, चुप कर, मैं खड़ा रहा, तेरे नाल ते मैं गल ही कोई नहीं करनी। नारंग साहब शांत हो जाइए, सारे स्यापे जण आई जे, एनु ऑफिस तो बाहर कढो पहले। ठंड रखो आप, ठंड रखो नारंग साहब, मैं खुद देखता हूं, डोंट वरी। चलो चीनी की नहीं, ओ मैं अपने आप ले लांगा। तो पता नहीं किस तरह के पागल लोग रखे हुए हैं तुसी। ऐसी बात नहीं है नारंग साहब, इट्स ओनली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। और मैंने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैंने तो पैसा दे दो तो मैं शांत हो जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी छाती ही बैठा रहूंगा इतने ऑफिस के अंदर। एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल अमन, ये कोई मजाक है? सर कमीशन आ गई है इस केस की, और अमन के इंसेंटिव का चेक भी दे दिया है। काट लो सैलरी में से, काट लो इसकी। एक मीटिंग में बोलो यार, पैसे की शर्म नहीं है? कितनी बार बोला यार गाड़ी ध्यान से चलाया करो, तुम्हारे रुको मैं आके हैंडल करता हूं। लो जी नया ड्रामा, आई से डोंट डू एनीथिंग, मैं आके हैंडल करता हूं। सॉरी सर मुझे जाना होगा। गोली दे रहा ना अमन, फिर गोली दे रहा तू? गोली नहीं दे रहा हूँ सर, आपके सामने दिव्या का फोन आया सर, उसका एक्सीडेंट हुआ, मुझे जाना होगा सर। और जो ये रहता लाया इसको कौन संभालेगा? आई वांट यू टू गेट इट डन नाउ। सर मैं कर दूंगा सर, मैं ये दिव्या का हैंडल करता हूँ, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। यू डोंट वरी अबाउट इट, आप टेंशन मत लो। व्हाट बुलशिट अमन। सर मैं जाऊं? हाँ निखिल तुम ये कैसे संभालो सर? सर मेरा मतलब था कि अगर काम खत्म हो गया तो। चुप करना यार, जो बोला वो करो। जाता टाइट तो नहीं है? नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू। Listen, I'm so sorry. No, really, it's fine. इस सब की कोई जरूरत नहीं थी। Excuse me, one second. अमन, गुस्सा मत करना। तो फिर गुस्सा करने वाली बात मत करो यार। पैसे मांग रहे? No, he's not. गाड़ी कितनी डैमेज हुई? Shit, I'm sorry. तुमको कहीं जोर तो नहीं लगी? सच में पैसे नहीं मांग रहा? नहीं। अरे तुमको पता नहीं है ऐसे लोग वेट करते हैं कब हम जैसे अमीर लोगों से पैसे आने का मौका मिले। तो अच्छी बात है ना, हम अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है। आप कुछ लोगे चाय या कॉफी? नहीं यार थैंक्स, मैं जल्दी करवा दे इसको, वैसे किसी और काम मेरे मत्थे पड़ गया। हाँ बता रहा हूँ मैं आपको, अरे रघु भाई अमन मेहरा की डील है, कुछ बातें तो सिर्फ उन्हीं के साथ कर सकता हूँ ना मैं, आप सिर्फ पेपर वर्क पे ध्यान दीजिए। अरे अमन और मेरी बहुत पुरानी सेटिंग है, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं संभाल लूंगा जी। ओके बाय। नाइस कार, ऑटोमेटिक है? हाँ दिल्ली के ट्रैफिक के लिए बेस्ट है। आप मुझे ये मेट्रो तक ही छोड़ दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी ड्राइव करने का मन कर रहा है। तब रे हाँ मेरी छोड़िए, दिन तो आपका भी कुछ खास नहीं जा रहा लगता। मेरा तो 2 साल से टाइम खराब चल रहा है यार,
एक इन्वेस्टर मिलता है दो भाग जाते हैं, बिना किसी बड़े स्टार के लोगों को लगता है फिल्म पहले से ही फ्लॉप है। पिक्चर बनाते हैं आप? कोशिश कर रहा हूँ। So what did you think? Wow, story तो अच्छी है। Thank you. मेरे कुछ अमीर क्लाइंट्स हैं, पैसे लगाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। Really? अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो आपको बताऊंगा पक्का। ये भी तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार, मतलब इसे सीरियस तो कुछ करवाओ यार, अगर कोई इन्वेस्टर मिले तो। अरे बिल्कुल पक्का है यार, आखिर तुम मेरी बीवी की गाड़ी से टकराए हो, तुम्हारे लिए नहीं करूंगा तो किसके लिए करूंगा। मैं फोन करूंगा कुछ होगा। थैंक यू सो मच यार। ओके टेक केयर। दीदी दीदी Good morning. Noor, any calls for me? No, sir. Okay. Sir, Aman sir is here. अबे तेरी तो अमन मेरा। अरे क्या हुआ? अरे मैंने किया क्या है? ओ काती काती तू रे, बहुत शराब बनता तू। किया क्या है मैंने? तू क्या सोच रहा है? कंपनी की डील कहीं और करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा। राम खोर। सर सर प्लीज। तेरी माँ के दहेज में आई थी ये डील। यू फायर्ड। यू फायर्ड। हाथ मत लगा। हाथ मत लगा। साले चोर बाहर निकालो इसको यहाँ से। कितने सालों से चूरा लगा रहा है तू इस कंपनी को? अरे मुझे भी नहीं काम करना है यहाँ। तेरे जैसे लोगों के लिए बंगले बनाते हुए एडी हम लोग हंसते हैं। अरे मैं तेरे लिए काम ना करूँ? कोई तेरे लिए साले थूके भी नहीं। तू है क्या? बताऊ कौन हूँ मैं? बताऊ? बापू बाप है तेरा। बाहर निकालो इसको। क्या हुआ अमन? जी हाँ, मुझे सबटाइटल्स आज चाहिए, इनफैक्ट अभी। और खबर है किसी ने वो गूगल ट्रांसलेटर यूज किया, उसकी खैरियत नहीं। अरे सर आपको शायद याद नहीं, पहले थी दिवाली की छुट्टी, फिर ईद की छुट्टी, फिर गांधी जयंती, फिर इंडियन टीम की जयंती आ गई, आपको पता है। तो आपको तो पता है कितनी छुट्टियां हमारे मुल्क में। तो कैंसिल कर दो ना उसका वेंडर कॉन्ट्रैक्ट, हमारे देश में कम लोग हैं क्या? हाँ तो कोई और मिल जाएगा उस काम के लिए। सिंपल, तो तुम और रॉय कर दो। व्हाट्स द बिग डील? जी आप प्लीज बहाने बनाने बंद करो, मुझे चेक करने दो पहले। रॉय यू जस्ट मेक दिस टू चेंजेस क्विकली। जी आई नीड टू स्पीक टू यू। मुझे हमने नया वाला प्रोमो बनाया था ना, यू हैव टू कट 28 सेकंड्स आउट ऑफ इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनी सजेशंस क्या काटूं? यू कैन हैंडल इट जी आप प्लीज। लेडीज। हां कबीर, हम तुम्हारे पास आ रहे थे। कम, क्या बताया नहीं अबाउट हांगकांग? यस और नो? मैंने तो ऑलरेडी हां बोला सर। एंड यू? I haven't spoken to Aman as yet, so... Boss ne list mangi hai, naam mangi hai mujhse. See, I have to make a team. Tum log ke naam dalogi? Yes, please. Wahan ki team kaun head kar raha hai? Excuse me? Oh, wow. That's fantastic. I really want to go. Divya, want aur hone mein fark hai. Finalist boss tayyar karenge, main nahi. Aise mat bolo, sir. I've already told my friends I'm moving to Hong Kong. Ye lo. Aur Divya ji ne apne pati dev se baat tak nahi ki. Don't worry, Aman sir is very chilled out. हो जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है? जी हाँ, सबके पासपोर्ट की कॉपीज कलेक्ट करके एचआर में दे दोगी प्लीज? ओके। ये डिसीजंस होते रहेंगे, लेट्स जस्ट गेट ऑन विद द पेपर वर्क, डोंट डिले इट, ओके? या। अमन ये दोनों। या? आगे आगे आगे। या? अब ठीक है? हाँ, परफेक्ट। ओके। अच्छा सुनो, वो हमारे पासपोर्ट्स किधर पड़े हैं? क्यों, आफ्टर पार्टी लंदन में है क्या? नहीं, वो शायद हमारी एक ऑफिस कॉन्फ्रेंस है श्रीलंका में, तो उसके लिए चाहिए। अरे वहीं है यार, बाहर की स्टील की अलमारी के सेकंड ड्रॉअर में। अच्छा ठीक है। एंड वाह, अब समझे तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। अच्छा सुनो, मैं लेट हो जाऊंगी, शायद एक तो बच्चा है। Yeah. Hi.
रहा था, बैठा था, परसों मिलते हैं हम। फाइनली थैंक यू वेरी मच दिव्या, देखो इधर जूस पिलाई। Now, come on, Divya, come. Now, pay attention, everybody. बार बार repeat नहीं करूँगा मैं. Only one I hear first. Good news, bad news. Good, Kabir. News channel में तो सारा दिन बुरी खबरें सुनने को मिलती हैं यार. हाँ, तू रोता ही रहा. Come on, you are true. So the good news is that you all are in the Hong Kong team. Oh. And Divya will be the new executive producer. And that, I got the job. It's all yours. Congrats. Congrats, yaar. Anytime. और इस गधे को तो देश छोड़ के जाना नहीं। मेरी लाइफ यहीं पे दिल्ली में बहुत सुखी है। क्या बात है रॉय? अब कोई माइंड मत चेंज करना प्लीज। पागल हो गई हो क्या? बताओ कहाँ साइन करना है, मैं अभी साइन करता हूँ। अरे आपको बड़ी जल्दी है जाने की। ऑब्वियसली मैंने भी कल ही आपका रमन सर का पेपर वर्क स्टार्ट कर दूंगी। या ये काम की बातें कल भी हो सकती है ऑफिस में, ये पार्टी चल रही है अभी यार, कम ऑन लेट्स एंजॉय, गो गेट ड्रंक टू समथिंग। आई विल गेट अनदर ड्रिंक। कम कम कम। ए दिव्या, दिव्या आर यू कमिंग? कम। इतना क्यों पीती हो दिव्या? अब तक पीना चाहिए, इतना हैंडल हो यार। और मैंने नहीं पिया, आई स्वेयर। यार राइट, जाके लेटो, मैं नींबू छोड़ा लेके आता हूँ। मैं देती हूँ। Are you sure you'll be okay? कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द है। मैडम इस सर दर्द को हैंगओवर कहते हैं। ओके चलो सी यू इन द इवनिंग, बाय बाय। बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ यार? I can't believe I'm pregnant. यार, अब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग इतनी लापरवाही करोगे तो कोई क्या करे? भाषण मत दे यार, प्लीज। उसे बताया? दीक्षा जी, एक मिनट। नहीं यार, मैंने अभी किसी को नहीं बताया। वो बहुत इमोशनल किस्म का है, वो कहेगा बच्चा रख लो। मुझे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं चाहिए इस वक्त, तो नॉट एट ऑल। आई गेट इट, आई जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस। कल सुन, 10 बजे आ जा। मैक्सिमम 20 मिनट्स लगेंगे, यू विल बी फाइन, डोंट वरी। ओके, सी यू देन, हां, टेक केयर। थैंक यू। बाय। अमन हम जा कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। सरप्राइज का मीनिंग गूगल कर लो। मेरी 10 बजे की मीटिंग है यार। अरे आज भूल जाओ मीटिंग, मीटिंग खेला, आज का दिन हमारा है। ठीक है, मैं आके हैंडल करता हूँ। फटाफट। या क्या हुआ? मुझे ऑफिस जाना होगा यार। एक काम करो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं टैक्सी लेके जाता हूँ। आई सीरियस? सी यू इन द इवनिंग, बाय। हेलो जी। हेलो दीक्षा, डॉक्टर तो पेशेंट के साथ है आपका? जी मेरी 10 बजे की अपॉइंटमेंट थी। दिव्या मेरा बोल रही हूँ? जी मैं दिव्या मेरा बोल रही हूँ। हाँ तो डॉक्टर ने बोला है कि आप कल आ जाइएगा 4 बजे। कल? हेलो 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 आप हेलो आप आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो आपको लगी तो नहीं? नहीं पास में ही रहता हूँ, आप रहने दीजिए ना।
दिल्ली के ट्रैफिक के लिए बेस्ट है। आप मुझे ये मेट्रो तक ही छोड़ दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी ड्राइव करने का मन कर रहा है। अबे हाँ हेलो दीक्षा। हाय हाय। अच्छा सुन, आज तो मैं बिल्कुल आ नहीं पाई, अमन ने साथ ही नहीं छोड़ा और मैं क्लिनिक आई भी, स्टिल आई कुडंट सी यू। कोई बात नहीं, आई हर्ड। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुन, सैटरडे को आ जाऊँ? कल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 11 बजे। ओके थैंक्स, बाय। सोना नहीं है? नहीं बस लास्ट चैप्टर है। थैंक्स, ये बाकी पेपर्स के साथ भेज देती हूँ। थैंक्स जिया। क्या हुआ, प्रमोशन मिली या पनिशमेंट, ऐसे क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं यार, जस्ट थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। इसमें अमन सर के पेपर्स तो नहीं है? हाँ वो मैं बाद में दे दूंगी। नहीं पर एचआर ने कहा है अभी प्रोसेसिंग के लिए जाने हैं, अभी देना पड़ेगा। चाहे तू मेरे लिए काम करती हूँ कि एचआर के लिए काम करती हूँ? मैंने कहा ना बाद में दे दूंगी। I'm sorry. I'm sorry यार, मैं बस I'm just tired, just leave me alone. No no, it's okay. अमन सर का बाद में देख लेंगे, पहले ये दे देती हूँ। क्या हुआ अमन? कुछ नहीं। अमन मैं पूछ रही हूँ ना, क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं। फाइन, नहीं बताना तो मत बताओ। अमन, आर यू इन ट्रबल? बताओ ना। कुछ नहीं यार, बताने को सो जाओ। टांगे हिलानी बंद करो, पूरा बेड हिलता है। डॉगर? नहीं नहीं आप दीजिए। सुनीता से अच्छा मटन कोई बना ही नहीं सकता। मालिक साहब दरअसल मैं इसलिए आया था, वो जो अपनी डील है ना वो कैंसिल करनी पड़ेगी। हो गई कैंसिल? नहीं, मेरे कहने का मतलब है वो बयाना मुझे वापस चाहिए। देखो अमन भाई, तुम्हें डील कैंसिल करनी है ना तो मानो हो गई, बयाना वापस मांग के शर्मिंदा मत करो यार। मालिक साहब देख लो, इतने सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, लाखों रुपए बना के दिए मैंने आपको, पर उसके लिए हर बार तुम्हारा हिस्सा भी तो मिला है, मोटा हिस्सा। मलिक साहब आपसे क्या छुपाना, आप तो घर के आदमी हो। दरअसल मैं थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, अगर वो बहना मुझे वापस नहीं मिला ना तो समझो मैं 12 के भाव में जाऊंगा। तो भाई ऑफिस से एडवांस ले लो, बैंक से लोन ले लो, बैंक ही लूट लो। पर भाई बयाना तो गया, मैं जानता हूँ पार्टी को, वो नहीं देगा। अच्छा एक बात बताओ, उसकी जगह तुम होते तो बयाना वापस कर देते? कर देते? थोड़ा मटन तो खा लो। नहीं नहीं आप लूं। क्या हुआ? हो जाएगा हो जाएगा। नहीं दिया ना बयाना वापस? अरे अभी कोई हैसियत है मेरी मार्केट में रघु भाई, कहीं से उठा के देता हूँ आपको पैसे एक दो दिन में। नौकरी चली गई या कट नहीं गई भाई? देख सबके लिए बेहतर है पैसे मिल जाए, दो दिन मतलब दो दिन। शनिवार को कॉल करता हूँ। ठीक करवा दे यार, करवा दे। चल भाई
क्या बना रही हूँ? मटन। अच्छा मैं सोच रही थी प्लॉट के बारे में, अगर हम कंस्ट्रक्ट ना करें तो प्लॉट की वैल्यू तो बढ़ती जाती है, और ये घर में क्या खराबी है? कुछ सालों के लिए किराए का मकान भी अच्छा है। वैसे भी किसी ने कहा है, फूल्स बिल्ड हाउसेस एंड वाइज मैन लिव इन देम। मैं ना आके आता हूँ। ओके। तुम कहाँ जल्दी? कुछ नहीं, मॉर्निंग मीटिंग्स और क्या। सैटरडे को मीटिंग? लॉन्च के टाइम सैटरडे और संडे में कोई फर्क नहीं होता। व्हाट लॉन्च? वही बोरिंग स्टफ। तुम नहीं गए अभी तक ऑफिस? बस निकल ही रहा था। तुम्हारे ऑफिस क्या मीटिंग है, तुमको छोड़ देता हूँ। अरे अमन तुम आराम से खा लो ना, मैं चली जाऊंगी। अरे एक मिनट में आ गया। अमन सीरियसली इट्स ओके। अमन आई विल गो। वही चलो यार। चेंज ऑफ लैंड यूज मैं करवाऊंगा ना वो, सर मेरी गारंटी है सर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, कितने साल से जानते हैं मुझे आप? अरे काली कॉफी और लेकर। यस सर। अरे सर ऐसा मत करिए, रेंट दे जी, इतना बिल हुआ 200 रुपए ले ले। हाँ नहीं तो आप पूछ लीजिए उनको ना, उनको पूछ लीजिए सर। अरे क्या बात है भाई, काली कॉफी पी रहा है, चल तुझे मक्खन में लाई खिलाता हूँ। अच्छा मैं आपको फोन करता हूँ भैया, अभी फोन करता हूँ। रघु भाई कैसे हैं आप? रघु भाई शाम को आने वाला था आपके पास। हाँ मुझे पता है तू आने वाला था, तेरी शक्ल भी दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं है रघु भाई, वो दरअसल थोड़ा। चलो उठो, अपने हाथ से बनाता हूँ तेरे लिए कुछ हैंडमेड। रघु भाई 2 घंटे में आऊँ आपके पास? खड़ा हो जा। रघु भाई 2 घंटे में आता हूँ, एक काम करो रघु भाई। अबे कितनी बार समझाया, मुंह पे नहीं मारते, अभी काम भी करना है इसने। अबे क्या तमाशा कर रहे हो? खड़ा हो भाई खड़ा हो, इतने में क्या हुआ है? खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो, उठा उठा साले को। साले जूते गंदे हो जाएंगे, तेरा बाप साफ करेगा? मेरा फोन नहीं उठाएगा, मिलने नहीं आएगा, मिलने नहीं आएगा ना बिल भाई, लेकिन मेरे पैसे नहीं देगा, पैसे नहीं देगा तो मैं तेरा पता नहीं क्या क्या ले लूंगा, समझा? 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ 2 दिन, पैसे मिल जाने चाहिए आपके। चलो रे अमन, ये चश्मा पहन के क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? डफर समझ के रखा हुआ है मुझे? We're done. दिव्या, दिव्या प्लीज, दिव्या, दिव्या लिसन टू मी, दिव्या नो, दिव्या प्लीज स्टॉप, दिव्या प्लीज डोंट लीव मी लाइक दिस, मेरी बात सुनो, दिव्या मैं तुम्हें सच बता देता हूँ। मैंने कुछ पैसे लिए थे प्लॉट के लिए, वो बात थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई,
वो अभी ठीक नहीं निकले, बट आई कैन फिक्स इट। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, आई फिक्स इट। अमन अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो अपने दोस्तों से मांग लेते, अपने ऑफिस से मांग लेते यार। इतने सालों से तुम वहां काम कर रहे, ऑफिस से लोन क्यों नहीं लिया? संदीप ने मुझे काम से निकाल दिया। व्हाट? दो हफ्ते हो गए, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम परेशान हो। आई जस्ट थॉट जब दूसरा काम मिल जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। इनू दो हफ्तों से तुम मुझे झूठ बोल रही हो। रोज सुबह उठ के कॉम्प्लेक्स खा के जूते पहन के गाड़ी निकाल के और शाम को आके बोलते थे तुम ऑफिस गए हो। आई कांट बिलीव इट अमर। Divya, Divya, please don't. Divya, Divya, listen to me. Amar, Divya, listen to me, please. Divya, Divya, please listen to me. Please don't leave me. Divya, please don't. I'm sorry, मैंने तुम्हें झूठ बोला। मैं तुम्हें आगे से कभी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। I promise. हमने जीने मरने की कसमें खाई थी। Please don't leave me like this. मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, Divya, please. सारी पॉलिसीज मिला के भी लोन नहीं मिलेगा? वो तो कलेक्टर है ना भाई साहब, बाकी सब भी तो चाहिए। प्रॉपर्टी पेपर्स हो या सैलरी स्लिप हो या कुछ और हो। कमाल है यार, इतने साल से प्रीमियम भर रहा हूँ मैं, मेरे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना भाई साहब, जब पॉलिसी का 10 ईयर हो जाएगा तो मिलेंगे। और भगवान ना करे यदि आपको कुछ हो जाए तो आपकी मिसेज को मिलेंगे। वैसे बाकी सब तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। क्या अमन, सर पे क्यों मंडरा रहे? अगर मैं मर जाऊं तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। खत्म नहीं हुआ तुम्हारा ये ड्रामा। एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है मेरी पर्सनल इंश्योरेंस कितनी है? उतने पैसे से मैं ये कर्जा आसानी से चुका सकता हूँ। और वो ही नहीं, जितने लोन्स हैं, फ्रिज का लोन, कार का लोन, ये सब भी इंश्योर्ड है। अगर मैं मर जाऊं तो इन सबसे भी छुटकारा मिल सकता है। शट अप अमन, मरने की परमिशन ले रहे हो? नहीं यार, मरे मेरे दुश्मन, मैं तो सिर्फ मरने का नाटक करने की बात कर रहा हूँ। व्हाट? ग्रेट, एक और नया स्कैम। मैं पहला आदमी नहीं हूँ दिव्या, सभी करते हैं कभी ना कभी इंश्योरेंस फ्रॉड। मैंने कितनी बार गाड़ी से पैसे बनाए, फर्क बस इतना है कि इस बार गाड़ी की जगह मैं। अमन, तुम्हें जो करना है करो, मुझे मत घसीटो इन सब में, मुझे इसका हिस्सा मत बनाओ। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं कर सकता हूं ना, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुमको बॉडी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जितने पैसे आएंगे तुम्हारे अकाउंट में। डर लग रहा है, जस्ट गेट अवे फ्रॉम मी। दिव्या लिसन, शट अप। दिव्या जस्ट ट्रस्ट मी यार, जस्ट ट्रस्ट मी यार। मैंने जो कल तुमसे बात की थी उसके बारे में सोचा था ना? हाँ सोचा है, कि तुम्हें पागलखाने में भर्ती कर देना चाहिए। दिव्या जी। जी नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। अमन के दोस्त हैं हम। कहाँ अमन? अरे अमन, अरे रुको भाई, घर पे क्यों आ गए आप? अरे यार तो हो गया क्या फिर है? क्या हो गया क्या है? माफी मांगने आए यार तेरे से, उस दिन कुछ ज्यादा ही हो गया भाई है। क्या करें, धंधा ही ऐसा है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल जाता है। अमन साहब स्माइल प्लीज। 6x8 प्रमोद जी भाई, 12x10 का साइज कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया भाई। और ये दीवार भी करेक्ट है, यही लगाएंगे? बिल्कुल भाई।
अमन सर अरेंज करो, अरेंज करो, वरना हमारे देश में सुंदर जवान विधवा की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। एक हफ्ता है, आखिरी एक हफ्ता, वरना इस बार तेरी फोटो और तेरी डेड बॉडी दोनों पार्सल कराऊंगा भाभी जी को। तुमने क्या किया अमन, व्हाट द हेल हैव यू डन? आई एम सो सॉरी दिव्या, आई एम रियली सॉरी दिव्या, मेरी बात सुनो, यू हैव टू हेल्प मी, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे दिव्या। तुम्हें और मेरा क्या, तुमने देखा नहीं उसने क्या कहा? व्हाट अबाउट मी अमन? दिव्या प्लीज मेरे लफ्ज पकड़ना मत करो, तुम मैं मेरे कहने का मतलब है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्लीज हेल्प मी। और ये कहने से हम उसके पैसे चुका पाएंगे? बिल्कुल। और अगर वो फिर आ गया पैसे मांगने के लिए तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? दिव्या अगर हम लोग ये कर ले तो हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम इसके पैसे चुकाने के बाद जहां चाहें वहां गायब हो सकते हैं, व्हेनेवर वी वांट, हाउएवर वी वांट बेबी। कम ऑन दिव्या, दिव्या प्लीज, इट्स अ व्हाइट कॉलर क्राइम, किसी को चोट नहीं आएगी, सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे हैं, किसी के पैसे भी नहीं जाएंगे। अमोल भाई सर, मुझे एक बॉडी चाहिए। बॉडी? हाँ। बॉडी क्या करेगा वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपके लिए 50,000 रुपए। देख भाई यहाँ बॉडी गिनती की आती है और गिनती की जाती है, मरवाएगा क्या? अपना काम कर। सुनो, डेड बॉडी ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, मॉर्चरी में कोई कॉन्टेक्ट है तुम्हारा? मुझे नहीं पता, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मुझे इस सब में इन्वॉल्व मत करो, तुम्हें जो करना है खुद करो, इट्स योर स्टूपिड प्लान। अरे आनंद साहब कैसे थे? अपने ठीक हूँ, बस ये आपके लिए लाया था। एक मिनट बच, और ये जो मैंने आपसे कहा था ना 50,000 रुपये उस काम के लिए? अरे बार बार वो का मत बोलो जो नहीं हो सकता। आनंद साहब मैं इसके बाद आपको 1,00,000 रुपये और देने के लिए। अरे 1,00,000 में तो मर हो सकता है, इतनी बड़ी दुनिया किसी का मालूम पड़ेगा? बाकी इसके लिए शुक्रिया, कोई और काम बताना ठीक है।
तुम्हें पता है ना कल तुम्हारे मम्मी पापा की बरसी है। इंश्योरेंस फ्रॉड इज टू बिग अ क्राइम, वो उसके बस का नहीं है, नहीं कर पाएगा। और कोई चारा नहीं है उसके पास। लेकिन तुम्हारे पास तो है, समझ में नहीं आता तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। क्योंकि इस वक्त अगर मैंने अमन को छोड़ दिया तो मार डालेंगे वो उसे। उसके लालच और तुम्हारे गिल्ट के बीच में हम सब मारे जाएंगे। कम डोंट स्ट्रेस, वी विल फिगर समथिंग आउट। अगर अमन दुनिया की नजरों में मर जाता है तो मुझे सालों वेट नहीं करना पड़ेगा डिवोर्स के लिए। ठीक है, तो उन गुंडों को डील करने दो ना अमन से। नो कबीर, मैं जानती हूँ अमन ने गलतियां की है, पर इसका ये मतलब नहीं मैं उसको मरने के लिए छोड़ दूं यार। इट्स विक्टिमलेस वाइट कॉलर क्राइम। अमन को उसका पैसा मिल जाएगा और हम अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकेंगे। पापा जी, मुझे तो बड़ा ही दुख हुआ। नमस्ते भाभी जी, बड़ा ही प्यारा दोस्त था। शर्म आती है कहते हुए, लेकिन हमारा कर्जा हमारे साथ नहीं जाता। अब बुरा मत मानना भाभी जी, लेकिन हमें भी अपना परिवार पालना होता है। मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारा पैसा, कहीं भाग ही नहीं जा रही हूं मैं। नहीं नहीं, मैंने कब कहा, वैसे भी हराम का पैसा पसता नहीं है। भगवान अमन की आत्मा को शांति दे। भाई, इससे बढ़िया तो वो फोटो थी ना जो मैंने खींची थी। चल बटे। Really don't understand. तुम मेरे घर क्यों नहीं चलती? क्योंकि अमन यहाँ फोन करेगा इसलिए। और उस रघुवीर का क्या, जो यहाँ की चक्कर मारता रहता है? हाँ? एक बार उसे पैसे मिल जाए तो वो अपने आप पीछा छोड़ देगा। और नहीं छोड़ा तो? How can he be so calm about this यार? कभी पैनिक करने से कभी कुछ नहीं होता है। कुछ ही दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या, अमन उधर। Okay. हेलो दिव्या, कहाँ थी? कितना टाइम लगा दिया फोन उठाने में? अमन, कैसे हो? ठीक हूँ, ठंड है यहाँ पे। और तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे भी। सब गए क्या? हाँ, बस पापा थे यहाँ, वो भी दोपहर को चले गए। और डेथ सर्टिफिकेट वगैरह? हाँ, मैं कर रही हूँ। अमन, इंश्योरेंस वाले कोहली का फोन आया। अमन, मुझे पता है मैं कर रही हूँ ना। इरिटेट क्यों हो रही हो यार? क्योंकि मैं सब अकेले संभाल रही हूँ यार। अच्छा सॉरी, गुस्सा मत हो। अच्छा, वो रघुवीर आया था, साला हरामी। दोबारा आया तो? दोबारा आया तो उसको बोला 10 दिन में उसको पैसे मिल जाएंगे। उसको पता है इंश्योरेंस का क्या प्रोसेस होता है। दिव्या, डोंट वरी, कुछ ही दिन की बात है। ओके, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आई लव यू। ओके बाय। ना जी ना, वो जोगिंदर के पास था जी। ओके सर। ना, मेरे पास ना था। हाँ जी, मैडम बोलो। 15 दिन हो गए हैं, आप कर क्या रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ बताओ? क्या इन्वेस्टिगेशन, 10 चक्कर काट चुकी हूँ मैं।
आपसे तो कभी कोई सीधा जवाब मिलता ही नहीं है मुझे। मैडम जरा थोड़ी देर के लिए वहां बैठिए। अब जब कुछ मेरे पास ही ना हो तो क्या करूंगा, कोई लीड तो होनी चाहिए ना। मैंने आपसे कहा था वो किसी के साथ थे, सिल्वर रंग की गाड़ी थी, मैंने खुद देखा है। अरे ईश्वर। यस सर। अरे जब पकड़ लिया कौन सी फाइल आया ला जी। किसी के साथ थे, किसी के साथ थे। क्या होता है किसी के साथ होने से, कोई नाम कोई होलिया कुछ तो होना चाहिए। गाड़ी का नंबर कितनी है, सिल्वर कलर की गाड़ियां दिल्ली के अंदर पता है आपको? हर किसी के पास जाकर सवाल जवाब करूं मैं घर घर। मेरे ससुर जी के पास भी एक सिल्वर कलर की गाड़ी, उनसे कहूं पापा जी कहां थे 15 दिसंबर को, आप बात कर रहे हैं। उसने फोन भी किया था मीटिंग फिक्स करने के लिए, वो कॉल आप ट्रेस करेंगे नहीं करेंगे? अरे मैडम मैं ट्रेस कर चुका हूं, पब्लिक टेलीफोन बूथ का नंबर है वो और सीसीटीवी भी ना लगी वहां पर। तो बस हो गया, केस ओवर। आप फोटो लाएंगे ना है? वो फोटो दे दीजिए कांस्टेबल, छप जाएगी अखबार में एक दो दिन में और पता लगेगा बता देंगे आपको। देवेंद्र जी साहब। ले बेटा जरा मैडम से फोटो ले ले। दीजिए मैडम। अब आप उधर जाके बैठ जाइए प्लीज, थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा काम कर लूँ। आप बस यही कहते रहिए, कभी यहाँ बैठाएंगे कभी वहाँ बैठाएंगे, और कोई काम ही नहीं आपको। ले ले एक लीटर पानी ला जा। उसी ने मुझे जेमेले में डाला है। ये FIR, ये पोस्टमार्टम इधर रिसीविंग कर दीजिए। भांजा होता मिनिस्टर का तो आर्मी लगा देते। ठीक रमन सर। है तो कोई भी लंच पे गए आप? हाँ, लंच करते रहिए आप लोग। साइन कीजिए मैडम, आपका काम 5 मिनट में हो जाएगा, ये कहते ना आप। थैंक यू रमन जी, लंच पे गए और कोई काम नहीं। मैडम ये फोटो लीजिए, छोटा है ये नहीं चलेगा। क्या बकवास है, क्या मतलब छोटा है? मैडम पेपर में छप तो जाएगा लेकिन फोटो फट जाएगा, इसलिए बड़ा फोटो चाहिए। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक 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 बार आप मुझे चक्कर कटवाते रहते। मैडम हम तो छाप देंगे पेपर में लेकिन फोटो फट जाएगा, फायदा क्या, किसी की पहचान में नहीं आएगा, क्या फायदा उस चीज का? हाँ दे हो गए, आप लोगों ने ना मजाक बना के रखा यहाँ पे। जाइए अपने सुपीरियर को बुलाइए, साहब को बुलाइए अभी। नहीं है साहब, नहीं है। क्या मतलब नहीं है, जब काम है तो काम करने वाले नहीं है, अभी बुलाइए उनको। मैडम आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं, अपना ध्यान रखिए, घर जाके दूसरा फोटो लाइए, इतना ही तो बोल रहा हूँ मैं। एक्चुअली मैं इतना गुस्सा करती नहीं हूँ, पर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, हालात ही ऐसे हैं कि एनीवन वुड। कब से गायब है आपके पति? 15 दिसंबर से। आपको बेकार में इतना लंबा रास्ता लेना पड़ा। बस भैया यही। आइए एक कप चाय। नहीं अब मैं निकलती हूँ बस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलती हूँ, ध्यान रखिएगा अपना। चलो भैया। काम के लोग कब कहां टकरा जाए कुछ पता नहीं लगता है ना, मतलब एक दिन मेरा आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है और दूसरे दिन आप मुझे प्रोड्यूसर से मिलवा रहे हैं। वैसे दिव्या जी हैं कैसी? हाँ ठीक है। अरे मैं भूल गया, ये लो पी लो। नहीं नहीं थैंक्स यार। अरे ले लो ले लो यार, तुम्हारे लिए नहीं यार, रियली आई एम टोटली फाइन। आपका? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ये जगह क्या है? फार्म हाउस है, यहीं थोड़ा ही आगे। तुमको पता है अमीर लोगों के चोंचले पैसे बन गए तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी। सही बात है, हमारा भी टाइम आएगा। पक्का पैसे नहीं लगे? हाँ बिल्कुल, थैंक्स यार। एक्चुअली मैं तैयारी कर लेता हूँ। अरे क्या हो गया? एक मिनट मैं उतर के देखता हूँ। मैं आऊँ? नहीं नहीं मैं देखता हूँ।
बस हवा कम थी, निकलते ठीक है। बस चलो सर, मोबाइल फोन का सिम कार्ड मिल जाएगा? मिल जाएगा सर, फोटो आईडी दीजिए। फोटो आईडी है नहीं, उसके बिना नहीं मिलेगा? फोटो आईडी बिना नहीं मिलेगा सर। दे दो यार, मैं कुछ एक्स्ट्रा दे देता हूँ। मरवाओगे सर? 12 सका का नियम है, बिना फोटो आईडी का नहीं दे सकते हम। यहाँ से फोन कर सकता हूँ? कर लीजिए सर। हेलो दिव्या। अमन कैसी हो? अमन तुम्हें डेड बॉडी कहाँ से मिली? क्यों, क्या हुआ? अमन आंसर माय क्वेश्चन, तुम्हें डेड बॉडी कहाँ से मिली? अरे भाई मॉर्चुरी से तुम्हें बताया तो था। कौन सी मॉर्चुरी से?
तुम मुझे ऐसे इंटरव्यू क्यों कर रही हो? अमन कौन सी मौचरी से कितने में मिली? अरे लेकिन हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। अमन तुमने मुझे कहा था तुम मुझे झूठ कभी नहीं बोलोगे, टेल मी द ट्रूथ अमन। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा हूँ दिव्या, मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ। सच सच बोल रहे हो? सच मैं तुम्हें बताती हूँ। सच ये है कि तुमने रोहन का मर्डर किया है। यू हैव किल्ड हिम। वहाँ कौन तुम्हारे कान भर रहा है दिव्या? वहाँ कौन तुम्हारे कान भर रहा है दिव्या? बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अमन तुम्हें मालूम है कि उसकी 28 साल की बीवी है, 6 महीने प्रेग्नेंट है वो। रोज पुलिस स्टेशन जाती है और ये पूछती है कि उसके हस्बैंड के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसको अपने हस्बैंड की लाश कभी नहीं मिलेगी। क्या तुम जानते हो तुमने क्या किया उसके साथ, उसके होने वाले बच्चे के साथ? Do you have any clue, Aman? What you've done? Do you have any idea what you've gone and done, you fool? I'm sorry, Dina. I'm sorry. Oh my God, you're wrong. Aman, Aman, तुमने उसको मार डाला? मैं हमेशा जानती थी कि तुम झूठे और घटिया आदमी हो। पर तुम इस हद तक गिर सकती हो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरी बात सुनो दिव्या। शट अप अमन। शट अप। नहीं दिव्या, दिव्या, दिव्या लिसन टू मी, दिव्या मेरी, दिव्या। मैं पुलिस को सब बता दूँ। तुम पुलिस के पास नहीं जा सकती। उनकी नजरों में तुम भी गुनहगार हो। हमारे बारे में सोचो दिव्या। पर कभी मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती थी। I know. That bastard. वो हम सबको मरवाएगा। भावना कितना जानती है? सिर्फ उसकी गाड़ी के बारे में। पक्का? आई डोंट नो, शायद। हम चांस नहीं ले सकते। तुम्हें दोबारा उसे मिलना होगा। अब चलो नंबर वन से शुरू करो। होमवर्क किधर है? आज होमवर्क बहुत कम मिला है। हाँ, मिल गया। काव्या बेटा यहाँ ध्यान दो। हाँ बेटा वो प्रपोजिशंस करो और अब आप अपने ऑपोजिट्स लगाओ यहाँ पे, ठीक है? वॉशिंग मशीन भी खराब हो गई है और सर्विस वाले का नंबर रोहन के फोन पर। सॉरी, बच्चों के टेस्ट चल रहे हैं ना? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। चाय पीएंगी? जरूर। चीनी? एक, थैंक यू। रोहन का कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं, लेकिन कल अखबार में फोटो छप जाएगी शायद तब। और पुलिस क्या कहती है? पुलिस से तो कुछ नहीं कर रही, ना कोई रैंसम कॉल ना किसी के साथ रोहन का झगड़ा। हाथ ही धो दिए पुलिस ने। थैंक यू। आइए बैठिए। मैं आपसे पूछने ही भूल गई थी, आप पुलिस स्टेशन में क्या कर रही थी उस दिन? मैं अपने हस्बैंड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने गई थी। What? उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था कुछ दिन पहले। Oh, I'm so sorry. अपना ध्यान रखिएगा। Okay, bye. आपको कभी गुस्सा आता था अपने पति पर? क्या? मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है रोहन पर। अगर जाना ही था तो मुझे बता के जाता ना। मुझे भी पता चलता कि मुझे अपने आप को कैसे संभालना है। फिर से लाइफ स्टार्ट करनी होगी, इस घर में अकेला रहना होगा, सब कुछ संभालना है मुझे। आपके पति ने आपके लिए कुछ छोड़ा भी होगा, पर मेरा क्या? मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या हूँ। बच्चा है, पति नहीं, पति नहीं है पर विधवा भी नहीं हूँ। थैंक यू दिव्या। ध्यान रखना। टेस्ट सर्टिफिकेट, FIR कंप्लीट है मैम। मैक्सिमम 8 दिन पकड़ के चलो आप। वो थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता, किसी का कर्जा चुकाना है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैम। अमन साहब तो बहुत खास थे हमारे, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। शुक्रिया। हाय कबीर। देयर यू गो, वीजा इज डन। 29th इवनिंग वी आर फ्लाइंग टू हांगकांग। और जब तक मैं वो पैसे भावना को नहीं दूंगी मैं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो? अमन का कुछ पता नहीं, रघुवीर तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है और तुम इसलिए नहीं जाओगी कि तुम एक ऐसी औरत की मदद करना चाहती हो जिसे तुम जानती तक नहीं।
ग्रेट हाँ कभी मैं तुम्हें नहीं रोक रही बस मैं नहीं जाऊंगी भाग मत समझा क्या निकले ऐसे भाई सब एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मेरे को जल्दी निकलना है हम भी लाइन में खड़े हैं आप लाइन में थोड़ी इमरजेंसी है मेरे को प्लीज मानिए मेरे को हॉस्पिटल पहुंचना है भाई साहब ऐसे नहीं चलेगा हम भी लाइन में खड़े हैं ना मैं दो मिनट में निकल जाऊंगा बेटा मुझे भाई साहब आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या मैडम मैं इनसे बात करूं दो मिनट अरे नवाब साहब हम चल रहे हैं यहां पे तो प्लीज मैडम एक मिनट आप हमें मत शांत होइए मैडम शांत होइए इसमें मेरी बात नहीं है शांत हो जाओ मैं उनसे बात कर रहा हूं आपको क्या बात तुम्हें कैसे लगा समझता हूं अरे हाथ से लगा लिया तूने बताओ तेरे को ये छोड़ा रहा है लेके जाओ उसे थाने मैं कह रहा हूं आप लिखो मेरी रिपोर्ट भाई साहब आपको बोला है बाहर इंतजार करो साहब आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ बाहर इंतजार करो ऐसे ही करते हैं ये लोग हाँ भाई बहुत दादागिरी तेरी अरे सर कोई दादागिरी नहीं है बस रिक्वेस्ट करी इनसे कि ये थोड़ी जल्दी है मुझे आगे वॉल्यूम कम पुलिस स्टेशन है तेरे बाप की दुकान नहीं सॉरी सर कुछ करिए सर प्लीज क्या करूँ बता सर मेरे पास इस वक्त जितने पैसे हैं मैं आपको दे देता हूँ ये देख लीजिए मेरे पास 2000 रुपये हैं आप रख लीजिए 2000 अबे जहाँ पे जा रहा है मटर खरीद रहा है मोहल्ले स्टेशन का केस लगा रहे हैं 5 साल की कैद है साहब आ गए तो लंबा चला जाएगा फिर तो मेरे होटल जाना पड़ेगा सर चल तेरे होटल ही चलते चल हाँ भाई मेट्रो आ गई तेरे राजेंद्र नगर में हाँ जी आ गई बट वो करोल बाग स्टेशन जाना पड़ता है 327 जी सर आप 2 मिनट रुकिए मैं नहीं मैं भी आ रहा हूँ अरे सर आप कहाँ आएंगे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे इतना चल के आए आप 2 मिनट बैठिए चाय पीजिए आपसे थोड़ी कोई भाग के जा सकता है मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में जल्दी Okay, baby.
दिव्या, दिव्या, caring, cute, lucky, very outgoing, intelligent, loves people, humble, smile to die for. Excuse me, मेरा phone actually घर पे रह गया. If you don't mind, एक emergency call कर सकता हूँ? Just 2 minutes, just one phone call. Yeah. Yes. Thanks. Just 2 minutes. Yeah. तू दिखाओ. Hello. दिव्या, अमन, ये कौन से नंबर से फोन कर रहे हो? किसी टूरिस्ट से लिया है, ज्यादा देर बात नहीं कर सकता. तुम कहाँ हो? मैं घर पर. और कहाँ जाऊंगी? घर पे? लेकिन वहां तो मैंने इतनी बार फोन किया, लगा ही नहीं. हाँ, खराब है शायद, नाइट शिफ्ट थी ऑफिस में, पर अब मैं वापस आ गई हूँ. अच्छा अमन, सब ठीक है ना? तुम बताओ. हाँ, मैं बस थोड़ा गुस्सा थी, पर I was just shocked. पैसे कब मिल रहे हैं? उन्होंने कहा 4 दिन. ठीक है, मैं 4 दिन में करता हूँ. ओके. आ गई है. आइए आइए, इधर ही है अंदर. तुम ठीक हो? Fine. Are you okay? वही तो मैं पूछ रहा हूँ दिव्या. What the hell is this? Nice house. हमारे घर को तो 2-3 साल लग जाते. ये रेडी है? Makes sense. अमन, तुम गलत समझ रहे हो. क्या गलत समझ रहा हूँ? कि जिस बीवी के लिए मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, वो अपने बॉस के साथ चले उड़ा रही है. छोड़ो उसे, वो तुम्हें प्यार नहीं करती. What do you want? अब हम लोग यहां से चलेंगे. अब हम लोग यहां से एक अच्छी फैमिली की तरह चलेंगे और जाके पिकनिक मनाएंगे. देखो, you don't have to do this. अमन, get ready. I said get ready.
अमन मेरा फोन छोड़ो, गन रखो और बात करेंगे। हाँ अमन पागल मत बनो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। तुम दीक्षा के पास हॉस्पिटल क्या करने गई थी? कुछ नहीं अमन, सिर्फ रूटीन चेकअप था। नहीं रूटीन चेकअप नहीं था, तुमने अबॉर्शन करवाया? यू वर प्रेग्नेंट और तुमने मुझे बताया था? अब अमन तुम गलत समझ रहे हो। अमन अमन प्लीज, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। तुमने हमारा बच्चा मार दिया, तुमने हमारा बच्चा मार दिया। यू क्या बच्चा तुम्हारा नहीं था? मेरा नहीं था मतलब? What do you mean, Miran? Huh? It wasn't yours. What? एक बार बता दिया होता दिव्या कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। छोड़ देता मैं तुम्हें, छोड़ देता मैं तुम्हें। मारना चाहते थे ना, मारना चाहते थे ना, मुझे क्यों नहीं मारा तुमने? I hate you, Aman. Then kill me. हेलो हेलो दिव्या, भावना बोलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा दिव्या, पुलिस का फोन आया था दीपा और रोहन। क्या वो बोल रहे थे कि उनको बॉडी मिल गई है, मुझे जाना होगा, मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया है। भावना तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। पता नहीं बहुत डर लग रहा है आपको, मुझे जाना है। भावना
कमाल है जी, सामान आपके पति का और बॉडी किसी और की, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये रोहन की बॉडी नहीं है, सामान उसका है लेकिन बॉडी नहीं है। नहीं, ये चक्कर के है, अब छुपाओ मत हमसे, बता। मैं क्यों आपसे कुछ छुपाऊंगी, एक महीना हो गया है, ये किसकी बॉडी है, कहां से मिली है, ये आपकी इन्वेस्टिगेशन है, मेरा काम है या आपका काम है? मुझे तो लगता है उसको शायद किसी ने मार दिया है, उसका सारा सामान लेके चला गया। उसकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं थी ना? रोहन का बुरा कौन जाएगा, वो अपनी फिल्म के लिए पैसे भी तो इकट्ठे कर रहा था। तुम्हें कैसे पता? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला तुम्हें, तुम रोहन को जानती थी? नहीं, वो एक बार मेरी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? उसने मुझे कहा था कि जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी के पति के साथ वो कहीं जा रहा था। That means you know Rohan, right? Where is Rohan? 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 Where is